बाबा जी हर चीज को क्लियर करके दिखाते हैं, बिल्कुल साफ दिखाते हैं, बिल्कुल साफ दिखाते हैं, एक वीडियो की तरह चलता है और आमने सामने बात होती है। अच्छा, तो उसका समाधान भी कर देते हैं बाबा जी? बिल्कुल समाधान करेंगे जी, उसको बांधेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अच्छा, जैसे आप बोलोगे, जैसे हमने घर से बाहर करना, घर से बाहर करेंगे उसको। कि ये है जो करवाता है, जब भेजा है, किस लिए भेजा है, ये सारा कुछ बता देते हैं। हाँ, और हाथ किसने भेजा है, यहाँ तक कि जो तांत्रिक भेज रहा है वो भी बता देते हैं कि ये भेज रहा है, वो भी दिखा देते हैं। अच्छा, दो हफ्ते हो गए, कितने दिन बाद में दिखाई देने लगे थे पूजा शुरू की आपने? दूसरे दिन है। अच्छा, लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत रहे लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हम जोनती भक्त महेंद्र दास जी के पास। अपना संकट खुद देखिए, अपने दुख दर्द खुद देखिए, आपके घर में क्या समस्या है अपनी खुद देखिए और खुद ही समाधान कीजिए। ऐसे मंत्र, ऐसी विद्या, ऐसी पूजा बताते हैं यहाँ पर। और कितना इसमें सच है, कितना झूठ है, क्या कोई बका तो नहीं जा रहा है किसी को, हम सच दिखाने की कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है हम सच दिखाते हैं। और वही सच दिखाने के लिए आज आपको लाइव दिखाऊँगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी बाबा बर्फानी जो बाल रूप है वो बिल्कुल साथ साथ दिखाई देते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, जो कहते हैं वो कार्य कर देते हैं वो, ऐसा इन भक्तों का कहना है। और काफ़ी लोग बैठे दिखाएं एक बार, बहुत से लोग और माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, सभी दर्शक जो बैठे हैं, भगत जन बैठे हैं, सभी इन चीज़ों को मानते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ है, हम ऐसा कुछ देखते हैं और क्या ऐसा संभव है, हम इन चीज़ों को पूछे भी गिर देखेंगे। सबसे पहले तो हम बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो पूछ लें एक बार बीचों में बैठ के। हाँ भाई, ठीक ठाक दिखेगा मेरा थोबड़ा? अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय बाबा जी। एक बात मैंने याद इस मैं धाम में सुनी है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लाइव भी दिखाया है मैंने, तो क्या यह संभव है कि बाबा भोलेनाथ बिल्कुल बाल रूप में हमारे साथ रहता है, दर्शन दे देता है? बिल्कुल जी, ये सत्य है और बाबा जी बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं, दर्शन होते हैं, बाबा जी से बात भी होती हैं। अच्छा, जो कहते हैं वो काम कर देते हैं? हाँ, जो हम कहते हैं अच्छाई के लिए सभी काम करते हैं। अच्छा, जैसे घर में कोई दिक्कत है, समस्या है, हम बाबा जी को बोलें कि बाबा जी बताओ मेरे घर में क्या समस्या है, तो बाबा जी दिखा देंगे समस्या? बिल्कुल दिखाएंगे जी। अच्छा, उसको सामने ला के दिखाएंगे, उससे बात भी करवाएंगे, कौन है, कहाँ से आया है, क्या तेरा नाम पता है, और या किसी ने भेजा है, या अपनी मर्जी से आया हुआ है। और मान लो संकट दिख गया, बता दी भाई ये प्रेत है या कोई और चीज है, वो दिखा दिया, तो उसका समाधान भी कर देते हैं बाबा जी? बिल्कुल समाधान करेंगे जी, उसको बांधेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अच्छा, जैसे आप बोलोगे, जैसे हमने घर से बाहर करना, घर से बाहर करेंगे उसको, मतलब उसको है ना, जैसे भी आप बोलोगे उसी तरीके से करेंगे। नाम क्या आपका? राजेश। कहाँ से है? मोहाना से। मोहाना से, गोहाना के पास मोहाना? हाँ जी, गोहाना मोहाना सोनीपत रोड पे। ठीक है जी, ठीक ठीक, धन्यवाद। आप कहाँ से हैं जी? रोहतक से जी। रोहतक से, आपने भी दिखाई दिए होंगे? दिखाई देते हैं। अच्छा, जो साक्षात दिखाई देते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। अच्छा? जैसे कहते हैं चैन से बांधो, बेल से बांधो। अच्छा? या जाल से बांधो। अच्छा? उसी तरह बांधते हैं। अच्छा? बाल रूप में दिखाई देते हैं, जैसे आपको हो गए बच्चे को भाई आपने ये काम करना है, तो बच्चे को बताना पड़ता है। ऐसे ही बाबा जी को कहोगे आप? बाबा जी, हाँ, उनको बताना पड़ता है बाबा ये काम ऐसे ही। अच्छा, एक बात और बता दो आप, कितने एक दिन में दिखने लग जाए, मतलब भक्ति करनी पड़े, तपस्या तपस्या को धोने दाने लगा के करनी पड़े है, या माला फेरनी पड़े है, कुछ क्या करना? इसमें कोई माला फेरनी नहीं पड़ती, ना कोई धोने लगाने पड़ते। अच्छा, इसमें 41 दिन बाबा के परहेज करो। अच्छा, 41 दिन में वो आपको साक्षात दिखाई दर्शन देने लग जाते हैं। उसके पहले भी देखने लग जाता है वो, तो 41 दिन लास्ट टाइम है। अच्छा, दिखाने देने को तो दूसरे दिन भी, हफ्ते में 10 दिन में साक्षात दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कहोगे वैसे वो काम करते हैं, जैसे बच्चे को बताया जाता है ना, ऐसे ही इनको बताना पड़ता है, ये अपनी मर्जी से नहीं करते। कहाँ से? रोहतक से। नाम क्या आपका? नरेंद्र बलारा जी। तो आइए भाई, एक बार दिखाऊं, और बैठे हैं, एक बार दिखा दे भाई थोड़ा नीचे कैमरा करके सारे ने, और अब अंदर ले चलो दरबार के अंदर, जहाँ पर बैठे हैं महेंद्र दास जी, भगत जी, और भाई और भी बाहर से आई हुई माताएं बहनें और भाई बैठे हैं। सारे ने जय बोले की राधे राधे, राम राम, जय हिंद, नमस्ते। तो ये देखिए इधर बैठे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, ये देखिए, छोड़ दीजिए आप, ये भाई माता जी बैठे हैं बिल्कुल बुजुर्ग, और इधर भाई बैठे हैं, एक अंकल जी बैठे हैं, ये बहन जी बैठी हैं, और ये सभी बैठे हुए हैं। तो और ये बैठे हैं भाई महेंद्र दास, भगत जी,
और ये है बाबा का दरबार, और जिसके साक्षात दर्शन होते हैं वो है ये बाल रूप में दिखाई देते हैं बाबा बर्फानी भोलेनाथ। ये देखिए ये रूप दिखाई देता है इनका, और ये दरबार है। कुछ भी नहीं लगता, मैं आपकी सारी लाइव दिखाऊंगा आपने, आर्मेनिया तक बात कराऊंगा और सभी से बातें करवाऊंगा आपकी। देखते रहें, लगातार जुड़े रहें मेरे साथ। अरे पास भाई गुड़िया बैठी है, बहन जी बैठी हैं, और भी बैठे हैं मेरे साथ में, बैठे हैं महंत भगत जी, दास कह लीजिए, महेंद्र जी, इनसे ही बात कराऊंगा। पहले मैं बात करूँगा, एक गुड़िया बैठी छोटी सी मेरे पास, नमस्ते बेटा। नमस्ते। कहाँ से? अच्छा, कैसा रूप दिखाई देता है बेटा? जैसे तस्वीर में वैसे ही दिखते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो फोटो में दिखाई देते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं? हाँ जी। खूब बोलते हैं आपसे, बातें करते हाँ, हैं? अच्छा, चलो भाई, गुड़िया को थोड़ी सी बुखार है और इनसे जो है इनको थोड़ा फीवर है, जुखाम भी है, कोल्ड भी हुआ हुआ है, तो इनकी माता जी से बात करते हैं, थोड़े आगे आइए थोड़ा सा। अच्छा, आपको भी दिखाई देता है? नहीं, मुझे नहीं देता, पर बच्चे दोनों बताते ही हैं, मतलब इनके साथ तो सारा टाइम ही रहते हैं बाबा जी। अच्छा, साथ तो जांच मेरी नहीं बनी थी, इन दोनों बच्चों से बनी हुई है जांच। अच्छा, इन्हें नज़र आता है अच्छे से। बीमार सबसे ज़्यादा मैं रहती थी। अच्छा, बहुत सालों से बीमार थी मैं। तो अब ठीक हो गई आप? हाँ। अच्छा, जब बाबा जी ने दिखाई दिए तब से ठीक हो गई आप? हाँ, धीरे धीरे, जैसे 40 दिन में चीज़ें हटती रही तो 40 दिन में आराम आ गया। हाँ, जैसे तो मेरे तो बहुत ज्यादा परेशानी थी। क्या क्या परेशानी थी बता सकती हैं क्या थोड़ी? जैसे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, पूरे बदन में दर्द रहता था, बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी मैं तो, बहुत सारी चीजें थी मुझे तो, बहुत ज्यादा। ऐसे समझ लो जब मैंने ये दरबार लिया था ना, मैं आसन पे भी नहीं बैठ पाती थी उन दिनों में। मैं बालाजी से जुड़ी हुई थी तब, साल भर से ज्यादा ही जुड़ी हुई थी, पूजा पाठ में रहती थी, पर वो चीजें छिड़ती जा रही थी मेरे अंदर, आराम तो आ नहीं रहा था ना, हट रही थी, तो इधर उधर भी जा ही रहे थे हम भाई सही हो जाए, पर सही तो हुए नहीं, पर यहीं सही अब सही है। चलो, तो अब मैं भाई बच्चे से पूछूंगा, बेटा क्या नाम है आपका? व्योम। हाँ जी, व्योम। व्योम, आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। कितनी, कौन से में पढ़ते हैं? अभी कॉलेज में जाता हूँ। कॉलेज में जाता? हाँ जी। तो जो बाबा जी को जब पहले दिन आप पूजा पे बैठे, हाँ जी, क्या एहसास हुआ आपको, कैसे हुआ? मतलब बाबू जी तो मेरे को मतलब बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिखे थे उस टाइम पे, बट एक चीज दिखी थी घर में, जैसे गुरुजी बिठाते हैं आसन पे, सब कुछ करवाते हैं, तो मेरे को एक चीज़ दिखी थी, फिर मैंने वो चीज़ बंधवाई, फिर उसके बाद से दर्शन होने लग गए बाबू जी के, बिल्कुल साफ। हाँ जी। अच्छा। आसन में बैठते बिल्कुल अच्छी तरह बात होती है, सारा कुछ ठीक ठीक। अच्छा। हाँ जी। अब जैसे आप बिना आसन पे बैठे भी बातें कर सकते हो? हाँ जी, अगर मैं ध्यान लगाऊंगा तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, इसको बिना ध्यान लगाए भी हो जाते हैं दर्शन। अच्छा, इनके तो साथ ही रहते हैं? हाँ, इनके साथ ही रहते हैं, स्कूल जाती है, स्कूल भी साथ में जाते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि स्कूल की ड्रेस भी पहन लेते हैं कई बार। अच्छा। स्कूल की ड्रेस पहन के स्कूल जाते हैं। अच्छा। अभी कल, अब जैसे रक्षाबंधन आने वाला है तो बाबू जी को ड्रेस भी दिलवा के आए, कह रहे थे ड्रेस के लिए, तो कपड़े वगैरह भी दिलवा के आए कल, तो मतलब बिल्कुल हमारे साथ ही रहते हैं पूरा दिन। हाँ जी। तो आपको जो घर का संकट आपको भी दिखाई दिया? हाँ जी, ज़्यादा मेरे को ही दिखाई दिया, और हमने फिर करा जैसे बाबू जी ने बताया वैसे वैसे हम करते गए, तो अब तो ठीक है। हाँ जी। तो जैसे पूछना हो, जैसे पहचान में नहीं आया कोई, जो प्रेत आत्मा कुछ दिखाई दिया, पहचान में नहीं आता है, तो बाबा जी बता देते हो? हाँ, पहचान में तो मतलब वैसे तो पहचान में तो कोई भी पहचान में आएगा ही नहीं प्रेत आत्मा तो, बाकी ये है जो करवाता है, जब भेजा है, किस लिए भेजा है, ये सारा कुछ बता देते हैं। हाँ, और हाथ किसने भेजा है, यहाँ तक कि जो तांत्रिक भेज रहा है वो भी बता देते हैं कि ये भेज रहा है, वो भी दिखा देते हैं। हाँ, और यहाँ तक कि तांत्रिक को भी हम बंधवा सकते हैं खुद ही। अच्छा। ताकि वो आगे ना भेजे कुछ भी। बिल्कुल सही बात, डरो मत। ये शक्ति, इस शक्ति के सामने सब सारी शक्तियाँ फैल हैं। हाँ, तो यानी कि बाबा जी उस चीज को भी मतलब जो भेजने वाले हैं उनके उनके ऊपर बंदिश लगा सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जब भगत जी के पास आए आप, हाँ जी, तो जैसे कोई क्या चीज़ दी आपको, फोटो दी या दिया दिया या कोई मंत्र दिया, कोई साधना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिया गुरुजी ने, बस गुरुजी अगले दिन ही हमारे घर पे आए थे खुद, तो फिर हम बाबू जी की फ़ोटो लेकर आए थे, हाँ, शिवलिंग लेकर आए थे, अच्छा, और दिया था, जोत था, बस और कुछ भी नहीं। बस सिर्फ एक दिया लगाना होता है? हाँ जी, बस जोत जलानी है सरसों के तेल की और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, बस और ध्यान लगाना है। अच्छा। तो उसमें फिर आपको कोई भी लगाता है क्या, दो दिन में दिखाई देना शुरू हो जाता है? हाँ जी, जिसके भी जांच बनेगी, मेरे को पहले दिन से ही दिख रहा है मेरे को तो। अच्छा। हाँ जी। तो ये कोई तकलीफ तो नहीं देता, रात को सुते को तो नहीं जगा लेता खड़ा हो? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ, बल्कि अगर किसी को नींद ना भी आती हो, वो भी अगर अरदास लगाएगा बाबू जी को, तो उसको भी नींद आ जाएगी।
हाँ जी। तो पढ़ाई में भी आपको तो मतलब सहायक होंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब अच्छा लगता है, पहले से शरीर भी ठीक लगता है और दिमाग भी पहले से बहुत अच्छा लगता है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब एक और बेटा है भाई, थोड़ा बच्चा। हाँ बेटा, कहाँ से? इधर से आए, इधर आए थे। आप कहाँ से हैं? मैम से। मैम से? आप इनके पापा हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपको भी दिखाई देते हैं बाबा जी? हाँ जी। कितने दिन से दिखाई दे रहे हैं? अभी दो हफ्ते हो गए। दो हफ्ते हो गए? अच्छा, दो हफ्ते हो गए। कितने दिन बाद में दिखाई देने लगे थे? पूजा शुरू की आपने? दूसरे दिन। दूसरे दिन है? अच्छा, आपके घर में और भी दिखाई देते हैं किसी को? आपको भी? हाँ जी, मेरे को दिखाई देते हैं। ये बताओ, एक ही रूप दिखाई देता है सबको या फिर अलग अलग रूप? नहीं, बालक रूप में दिखाई देते हैं जी सबको ही। आपको भी बच्चे रूप में दिखाई देता है? अच्छा, डर नहीं लगता बाबा जी आता जब? बाल बूल खुटा के ऐसे नहीं करके आता? तो कैसे छोटा बच्चा बन के आता है? अच्छा लगता है? डरावना नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो जो वो कोई भूत प्रेत आप दिखवाना चाहते हैं घर की संकट है, तो वो उनको देख के नहीं डरते? नहीं नहीं, डर नहीं लगता। बाबा जी आपका हर आदेश मानते हैं? हाँ। जो कहते हैं वो कर देते हैं? अच्छा, भोजन वगैरह आपके साथ खा लेते हैं? हाँ। अच्छा, जो खाते हैं वो खा लेते हैं? हाँ। पहले भोग लगाते हो आप उनको? हाँ। तो भाई देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और भी बहुत से बार बैठे हैं जिनके ये मतलब बाबा जी दर्शन दे रहे हैं। आप भी, ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है किसी तरह की, क्योंकि हम पूरी जांच करते हैं, पूरी तसल्ली करके ही हम वीडियो डालते हैं। हमारा मकसद एक होता है कि लोग पाखंडियों के चक्कर में न फंसे। भाई ऐसे ऐसे पाखंडी बैठे हैं जो लोगों को लूट रहे हैं और कुछ नहीं है उनके पास। कोई दस दिन से बाबा बन गया, पहले दारू पिया करता, कोई नाचा करता, उदम डलठम लट्ठा हुआ करता, ये वो झाड़े लगाने लग रहा है। कोई किमे था, कोई किमे था, लेकिन ये बच्चे देखिए, सच्चे बच्चे मन के सच्चे, इन बच्चों को जो दिखाई दे रहा है ये झूठ तो नहीं बोल सकते, सिखाए पढ़ाए नहीं हो सकते। किसी भी रूप में पूछ लीजिए, और अब आपको लाइव दिखाऊंगा मैं कि किस प्रकार बाबा दिखाई दे रहा है इनको, कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो अभी बाबा जी बताएंगे। महंत जी, महेंद्र दास जी, इनके साथ ही मैं बैठा हूँ और यहाँ पर जाँच लगाएंगी। तो के कहूँ, आदेश कहूँ, जय भोले की कहूँ, जय बाबा की कहूँ? जय बाबा की। तो जय बाबा की, और सारे भक्तान और सारे दर्शकों ने भी जय बाबा की। तो ये महेंद्र दास जी बैठे हैं और काफ़ी साल से ये लोगों को भाई, लोगों ने कहा अगर पूछा दिखाने जाऊं किसी के दौरे जाके नरपिए चढ़ावा, प्रसाद लिया, फलान लिया, दिगड़ लिया, और वो न्यू न्यू करके न्यू करेगा, जय न्यू हो गया, न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा ना। खुद देखो अपना संकट, खुद स्वयं देखो, बाबा आपको सामने दिखाई देगा, आप पूछो बाबा तो सारी चीज बताओगा। क्या ये संभव है महाराज जी? ऐसा बिल्कुल सत्य है जी। वो तो बच्चे बता रहे हैं, मैं तो बच्चों जो भी बताते हैं वो ये आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सत्य है जी। ये खुद पूछा नहीं देखते, ये सिर्फ देखभाल करते हैं। जैसे इस बच्चे को जांच पे बैठा है, बच्चा बैठा है पूजा पे और इसके सामने आ रहा है, तो यहाँ बैठे बैठे इनका भी ध्यान वही है। यहाँ बैठे बैठे इनको भी पता है कि बाबा जी उनके साथ हैं, आप पूजा पे बैठे हैं, ऐसा होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, बताते हैं इनको। हाँ। बच्चा क्या दिख रहा है भाई? वो यही बता देते हैं भाई, वो नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है जो सत्य है। हाँ। वही दिखाते हैं बाबा जी। जी, जी जो उनको दिखता हूँ मैं बता सकता हूँ जी। तो आप ये बताएं मुख्य रूप से, तो सारे दर्शक मेरे ख्याल में सोचने लग रहे हैं कि करा किस तरह, कैसे आए, पीछे पैसे कितने के लिए। सब तो बड़ी बात, तो दर्शक कोई भी है दुखी हो रहे हो, पूरे समाज में फिर के डॉक्टर दो रहे, बाब्या दो रहे, हर जगह जाके जोतना भी हो सके सब की में लुटा चुके होते हैं, तो उनकी कोई दुर्गुंजाइश तो बचा को नहीं। सब तो पहले भी मेरे दर्शक ये सोच रहे पीछे कितने के लेंदे होंगे। मैं जी जी देखिए, मेरा कोई जो दरबार है बाबा जी का, इसके अलावा कोई मेरी अपनी कोई बिजनेस नहीं है। मेरा यही एक है भैया, देख जो मेरी फीस है, फीस लगा लो उसको, मेरी मेहनत लगा लो या मजदूरी लगा लो। जी जी, जो भैया आसपास के हमारे दिल्ली के हैं तो उनसे भैया 3100 रुपये लेता हूँ फीस है वो मेरी, मजदूरी कह लो भैया उसको। हाँ, पूरा दिन भाई लगता है और लगता, जाने आने में पूरा दिन ही लग जाता है। और के मेरा दो बार भी जाना पड़े, 3 बार भी, वो भगत बुलाओ तो जाना पड़ता है, परेशानी होती तो जाना पड़ता फिर भी। तो एक जैसे आप घर में जाके दरबार को सजा के, दरबार चालू करके पूजा पाठ की विधि बता के आते हैं घर में जाके? हाँ जी, घर में जाते हैं। हाँ, घर में जाके बताते हैं भैया। अच्छा, वो चाहे भारत के किसी कोने में हो, किसी कोने में भी है, जो बुलाएगा तो भैया बिल्कुल जाते हैं जी। बिल्कुल। तो यहाँ आना, मान लो
यहाँ आना भी जरूरी होता है या फिर फोन कर दे तो आप वहाँ जाके भी शुरुआत करते? नहीं, यहीं आना कोई जरूरी नहीं भैया। अच्छा। अगर वो कहते हैं नहीं गुरु जी पहले मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं भैया। हाँ। नहीं तो फिर भी साधना आपके घर पे आके ही देनी है। साधना घर पे ही देनी है? घर पे ही आके साधना, और मुझे पूरा परिवार चाहिए एक। अच्छा। तो ही साधना देता हूँ, नहीं तो नहीं देता भैया। कोई कहे एक को दे दो गुरु जी, दो को दे दो, नहीं भाई। जब तक आपका पूरा परिवार एक नहीं है, जैसे एक घर में चाहे दो सदस्य हैं, तीन हैं, वो मुझे एक चाहिए, उनकी साधना पूर्व सबको बिठा के देखता हूँ बाबा जी किसको दर्शन देते हैं। अच्छा, मैं एक बात, पूरा परिवार कही है कि तीन चार भाई हों, कट्ठे सिर में भी हों, नहरे नहरे भी हों, अलग अलग भी हों, लेकिन कई बार क्या हो, एक भाई दारू पींदा हो या बाप दारू पींदा हो, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ हैं, लेकिन पिताजी माँ अलग हों या भाई अलग हो या वो कुछ रहा, तो उसके घर में भी दे सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, हाँ, जो अलग रह रहा है अलग ले सकता अपनी साधना। अच्छा, परिवार साथ ना दे तो बेचारा वो क्या करे, फिर अलग साधना पड़ता है बाबा जी उनके। यानी कि खुद का परिवार, बच्चे बीवी, वो एक साथ एक जगह, वो एक जगह आनी चाहिए भैया। एक घर में एक रसोई में जो खाना पकता है वो एक होने चाहिए, वो एक होने चाहिए। जैसे भाई हैं वो अलग रह रहे हैं तो उनके लिए अलग साधना, अगर वो इकट्ठे होके पिता के नाम से भी लेते मुझसे तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। अगर वो कहे नहीं गुरुजी हमारा भाई नहीं ले रहा है, हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो भाई, आप एक ले ले सकते हो। अच्छा, तो जैसे बाहर स्टेट में जाते हैं, जैसे हरियाणा, तो चलो दिल्ली के, हरियाणा तो दिल्ली ये तो मह हो गए, लेकिन जैसे राजस्थान है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, जहाँ कहीं दूर जाते हैं तो उसमें गाड़ी का किराया वगैरह या ट्रेन से जाते हैं कैसे? जैसे भी भाई, ट्रेन से, ट्रेन की टिकट करवाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस की करवाते हैं, बस से जाते हैं। अच्छा। आने जाने का टिकट कौन खाता है? जैसे दूर है, बम्बई है भैया, और तो उसमें तो तीन चार दिन लग जाए, लखनऊ है, तीन दो तीन दिन लग जाते हैं। तो वो साधना देके आप वहाँ जांच करवा के एक दिन में बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हमारा काम है साधना बनवाना। बाद में भी लोग कहते हैं नहीं जी हमारा कुछ हुआ नहीं, भाई आपको मैंने साधना करवा दी है, दिखा दिया सब कुछ दिखा दिया है। वो आपकी भक्ति है, भक्ति के द्वारा आप कैसे बाबा जी को मुक्त हो भैया? सब कुछ ठीक करता बाबा जी, मैं तो कहता हूँ भाई प्रैक्टिकल करवा रहा है मेरा बाबा जी। मैं नहीं मानता था डॉक्टरी नहीं होती, बाबा जी डॉक्टरी भी ठीक करता है जी। अच्छा, बिल्कुल करता है जी। जी हाँ, जब भाई बर्फानी बाबा शिव हो गए, भोलेनाथ हो गए खुद स्वयं, तो इससे क्या दूर है? बीमारियां क्या और क्या संकट इनके सामने, तो भाई पूरा संसार के कर्तम करता है, पालनहार हैं, संहारक हैं, रक्षक हैं, सब कुछ है, तो इनसे तो कोई दूर नहीं है। ये तो जो करेंगे तो सर्वे सर्वा हैं ये बाबा भोला, इनसे तो डॉक्टरी बीमारी और कोई भी हो। भक्ति है जी, भक्ति अपनी खुद की भक्ति है, खुद की साधना है किसी का। इसमें मैं तो एक मार्गदर्शक हूँ भैया, रास्ता बता सकता हूँ चलना अपने है भाई। आप भक्ति नहीं करोगे तो बाबा जी कैसे आपका काम करेगा? भाव होना चाहिए हमारा परमात्मा के प्रति, भाव के बस भगवान है। नहीं तो भैया भक्ति करते करते तो आपको पहले भी 20-25 साल हो चुके लोगों को, कितने दिन से कर रहे हैं, लेकिन भाव नहीं बना पाए हैं। जिस दिन भाव बन गया, एक लोग है परमात्मा से, तो बिल्कुल कल्याण होता है भैया, सत्य है। बिल्कुल कष्ट हर लेता है, हर कष्ट को हर लेता है। तो देखिए, हर संकट को, कोई भी व्याधि है आपको, चाहे बिल्कुल आपके निचोड़ नुका अगर न तोड़ हो रहा है, कोई ठिकाना नहीं है, एक बार फ़ोन पे बात करें बाबा जी से, पूछें इनको, तसल्ली करें, और फिर सारे रास्ते आपको बता देंगे। फ़ोन नंबर बताएंगे सर आप? 7011-5216-23 7011-5216-23 ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। यदि फ़ोन नहीं उठ रहा है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। फ़ोन किस समय कर सकते हैं आपको? 24 घंटे नहीं जी, 24 घंटे नहीं है। देखिए 24 घंटे में कहीं बैठना भी पड़ता है, करके कहीं पूजा बैठे, साधना बैठे, फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। दूसरा नंबर है, वो उठा लेंगे, वो आपको समझ गाइड करेंगे। दूसरा नंबर बताइए जो फ़ोन उठा सकते हैं। 7060-6882 एक बार और बताओ, 7060-6882 तो ये नंबर है। ये किसी भी समय आप रात को तो करें ना प्लीज़, और बाकी सुबह 7 बजे से शाम को 7-8 बजे तक जब तक सोते हैं, 9 भी बज सकते हैं, लेकिन इसके बाद न करें, क्योंकि हर कोई आराम करना चाहता है, भोजन भी करना होता है। तो आप पूछें, तसल्ली करें, और भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं तो एक के बाद क्या करूँ।